तिट कत गदी गन धा तेर किट तक। इमेजिन कर रहे हैं आप सीन कि वो चोर कैसे चल रहा है धीरे धीरे, जो वर्ण जो बोल मैं बोल रहा हूँ उन बोलों को सुनते हुए वो सीन इमेजिन करो और मेरे एक्सप्रेशंस देखो तो अपने आप समझ आ जाएगा। यानी ये इसमें क्या हुआ, वो दौड़ता दौड़ता और पकड़ने वाला है ना बिल्ली, उसको पकड़ने वाली, तो ये पे क्या किया हमने, थोड़ा वजन दिया, साउंड डायनेमिक्स चेंज किए, पकड़ लिया। ये होता है ना जब कोई चीज गिरने वाली होती है, रुकना, ये करते हैं अपन, ये टोन आती है। वो एक एक बात पे रोने लगा था समुंदर, आबरू खोने लगा था। सुर लय और ताल में रस व भाव किस तरह दिए जाते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इस ही वीडियो के साथ साथ कुछ जो स्क्रीन पर आपके वीडियोज़ आ रहे हैं इनको भी अगर आप देखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब इमेजिन कीजिए मैं आपको एक सीन दे रहा हूँ और उस पर आपसे एक टास्क करवाता हूँ अभी, है ना, तबले का ही टास्क है, आप ही को बजा के ही बताना है, ठीक है, कि कैसे उस सीन को आप डिस्क्राइब करेंगे अगर मैं कहता हूँ कि आपको ये चीज़ डिस्क्राइब करनी है तो, ठीक है। सीधा सा सीन है, आपके पीछे का जो स्टेयरकेस है वहाँ से एक चोर उतर के आ रहा है। बजाना आपको वही है जो आपको आता है, कुछ नया इसमें नहीं बजाना होगा, लेकिन हम चेक करेंगे डायनेमिक्स और हम चेक करेंगे कि कैसे आप ताल से वो रस जो है वो दे सकते हैं, कि हाउ कैन यू एक्सप्रेस वाया रिदम, है ना, वाया रिदम यू हैव टू एक्सप्रेस द सीन द इमोशन। जो चीज़ आपने जब अगर शोले मूवी देखी हो तो उसमें जब गब्बर की एंट्री होती थी तब पीछे तबले का ही इस्तेमाल है, जब धन्नो दौड़ा करती थी, बसंती उस धन्नो को दौड़ा रही है ना, हेमा मालिनी जब उस घोड़ी को दौड़ा रही हैं तब अलग रिदम है और चल रही है तब अलग रिदम है ना। तो जैसे कि हर इमोशन एक्सप्रेस किया जा सकता है ताल से, रस जो है बयां किया जा सकता है कोई सी भी आवाज़ से, उसी तरह से तबले को अभी हम इस्तेमाल अभी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चोर धीरे धीरे उतर रहा है, उसके कदमों की चाप को पहचानिए, कदमों की चाल को पहचानिए कि उसकी चाल क्या होगी, है ना। अगर मैं आपको कहता हूँ चूहे की चाल तो वो कैसी होती है, धीमी होती है, नहीं, चूहा बहुत ऐसे 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 दौड़ता है। हाथी जैसा कि मैंने बताया, धागे न धागे तिट वो ऐसे चलता है, धीमा धीमा नहीं चलेगा, है ना। मैंने एक शेर की चाल बताई आपको, उसकी शिकार करने की चाल, जिससे ही इन्हीं सारी चीज़ों से, इन्हीं सीन से तो चीज़ें बनी हैं। मेरे दादा गुरुजी ने शिकार परन बनाई एक, उसमें क्या होता है, एक शेर की चाल बता रहे हैं कि कैसे वो धीमे धीमे चलता है, पहले धीमे धीमे चलेगा ऐसे ऐसे, इधर उधर देखेगा, अपने शिकार पे उसकी नज़र है, फिर अचानक से एक जंप मारेगा और फिर रुक जाएगा, इधर उधर देखा, शिकार को देखा, धीमे धीमे फिर चला, फिर अचानक से जंप मारा और फिर से शिकार की तरफ जंप किया और रुक गया। जैसे ही वो शिकार के करीब आता और डियर अपना पानी पी रहा है ऐसे करके, और अचानक उसने देखा शेर आया, तो शेर दौड़ना शुरू कर देता है, तो डियर अपने दौड़ रहा है, अब शेर भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, पीछे पीछे दौड़ रहा है, शेर ने उस पर झपट्टा मारा, डियर ने थोड़ा छुड़ाने की कोशिश करी, फिर डियर आगे भागने लग गया, फिर शेर उसके पीछे पीछे दौड़ा, शेर ने फिर झपट्टा मारा, फिर डियर ने छुड़ाने की कोशिश करी, और फिर धीरे 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 शेर ने फिर झपट्टा मारा और आखिर में उसे फाड़ दिया। तो ये आपके सामने सीन है, ये चीज़ उन्होंने डिस्कवरी चैनल पर देखी कि ऐसा हो रहा था। अब ये चीज़ देखते देखते उनके दिमाग में सीन चल रहा है कि इसको मैं एक्सप्रेस कैसे कर सकता हूँ तबले से, तो उन्होंने किया धा गे ते ट, ये दो इधर उधर देखना, दो मात्राओं का अवग्रह, दो मात्राओं का गैप है ना, मेरे को एग्जैक्ट चीज़ याद नहीं पर मैं ऐसे बता रहा हूँ, और उन्होंने यही बनाई है, ऐसे ही बनाई है गिन गिन के, कि पहले उस सीन को देख के मन में बोल चल रहे हैं धा गे ते ट। अब धा गे ते ट ये बोल क्यों लिए, ये जो पखावज के बोल हैं, क्योंकि शेर है वो, चूहा नहीं है शिकार करने जा रहा है, जो शेर शिकार करने जा रहा है तो उसकी चाल देखिए, उसका शरीर देखिए, वो कैसी वजन वाली होगी और क्या ग्रेस होना चाहिए उसमें, तो वो ग्रेस को कैसे बयां किया, धा गे ते ट कृदा ते धा गे ते ट धा गे ते कृदा ते धा गे ते ट, ये क्या था उसका कूदना और जल्दी जल्दी चल के वापस धा गे ते ट,
कृदान्न धातर कर्तक धाते धा कृदान्न धातर कर्तक धाते धा कृदान्न धातर कर्तक धाते धा। ये लास्ट में तिहाई आ गई है ना। इस तिहाई को और एक्सप्लेन किया जाए तो वो वही वाला सीन कि शिकार पकड़ा वो छूटा, कृदान्न धातर कर्तक धाते धा कृदान्न धातर कर्तक धाते धा। ये शेर ने कूदा और धातर कर्तक धाते किया और डियर ने धाते धा में छूट गया डियर और भाग गया, वापस भाग गया। तो तीन बार में वो भागा है तो तीन बार में तिहाई आई है ना कि कृदान्न। ये कृदान्न क्यों शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि वो कूद के गया है शेर, है ना। धातर कर्तक से भी शुरू की जा सकती थी तिहाई, लेकिन शुरू किया कृदान्न। जैसे कृदान्न बसता है तो कृदान्न, तो क और ड ऐसे पड़ा कृदान्न, तो कूदा है शेर, है ना। कृदान्न धातर कर्तक धाते धा कृदान्न धातर कर्तक धाते धा कृदान्न धातर कर्तक धाते धा। ये धराशायी हो गया। तो ये क्या था एक्सप्रेशन, तबले से एक्सप्रेशन दिया, इस सीन को बयां किया। अब यही आपको करना है। चोर पीछे से आएगा, ठीक है, धा ती र की ट धा। अब वो ऐसा भी नहीं, वो लय में चलता है चोर, नहीं, चोर की लय समान थोड़ी होगी, एक ही लय में थोड़ी चलेगा। धा ती र की ट धा ते र की ट धा ते र की ट धाते धाते ते ट कत गदी गना धा तेर किट तक। इमेजिन कर रहे हैं आप सीन कि वो चोर कैसे चल रहा है धीरे धीरे, जो 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 वर्ण जो जो बोल मैं बोल रहा हूँ उन बोलों को सुनते हुए वो सीन इमेजिन करो और मेरे एक्सप्रेशंस देखो, तो अपने आप समझ आ जाएगा कि चोर किस तरह चल रहा है। अचानक रुका, इधर उधर देखा, फिर थोड़ा जल्दी चला, धा तेर किट तक कृतक धा कृतक तिन। ये क्या कर रहा है, वो सामान बैग में डाल रहा है अपने, एक एक करके आपके पीछे जो गमला पड़ा है छोटा सा, कृतक धा कृतक कृतक। ये कृतक बोल क्यों इस्तेमाल किया मैंने, कि वो पकड़ा है कुछ, है ना, बोलों में वर्णों में, ये भाषा है ना, क्योंकि वोकैबुलरी है तबले की भी अपनी, तो उससे क्या होता है वो एक्सप्रेस करता है। ये कृतक धा कृतक तिन कृतक धा धा धा, है ना। दो दो चार चीजें एक साथ रखी तो कृतक 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 धागे न तिन, दो मात्रा का गैप, इधर उधर फिर देखेगा, है ना, गैप की जरूरत है भैया, इधर उधर नहीं देखेगा पकड़ा जाएगा भी। फिर धागे ते ट, अब थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कोई आ गया है, उसने जैसे ही देखा था तो उसे लगा कि कोई आ गया है, ऊपर से नीचे उतर रहा है, तो जल्दी जल्दी अब निकलो, तो धागे लय दोगुना हो गया। धागे ते ट कृतक धागे न धातर कृतक तरकट धातर कृतक तरकट धातर कृतक तरकट धातर कृतक तरकट धा। भग गया धीरे धीरे, जोर से नहीं भगा, धातर कृतक तरकट धातर कृतक तरकट धातर कृतक तरकट धा। पिछली वाली तिहाई क्या थी, कृदान्न धातर कर्तक धाते धा कृदान्न धातर कर्तक धाते धा कृदान्न धातर कर्तक धाते धा, क्योंकि वहां जोश में उसने झपट्टा मारा और भागा है। लेकिन यहाँ पे वो भागा कैसे है, चोर भागेगा तो भी उसको ये है ना कि पकड़ न ले कोई मेरे को, तो धातर कर्तक तरकट धाते धा धातर कर्तक तरकट धाते धा धातर कर्तक तरकट धाते धा। तो इनका बजाने का अंदाज भी वही है, और ये वही बोलते हैं सारे के सारे जो आपको आते हैं ऑलरेडी। इसमें से ऐसा कोई बोल मैंने नया नहीं दिया आपको, ठीक है, अगर आप बजा के देखेंगे तो बजाइए। धा ती र कीट, है ना, चाल को समझिए और लय समझिए। धा ती ती र कीट धा ती र कीट बजाइए। हाँ, सीन को इमेजिन कीजिए, अपने आप बजाना आ जाएगा। कुछ भी बोल बजाना है, कुछ भी बजाना है। पेशकार, पेशकार क्या होता है आपको, पेशकार ये आपने शब्द सुना है, पेशकार इज बेसिकली उपज, वो उसी समय स्पॉन्टेनियसली जो चीज़ें पैदा हो रही हैं उसी समय बन रही हैं। तो मेरे मेरे गुरुजी हैं तबले के, पंडित रामकृष्ण बोस, जिनसे मैंने तबले की तालीम ली है, वो पेशकार को इस तरह से बयां करते हैं कि एक बच्चा है छोटा सा, है ना, एक छोटा सा बच्चा है, घुटनों के बल चलता, अभी अभी चलना सीखा है, तो वो माँ के करीब आ रहा है, माँ उसकी यहाँ बैठी और माँ कह रही है आ जा आ जा बेटा आ जा आ जा, तो वो ऐसे चल रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, चल रहा है। आप कि अभी हुई है नाती तो आपको मालूम होगा, एक छोटी सी बच्ची है, अभी वो धीरे धीरे चलना सीखेगी, तो उसका सीन आप जब इमेजिन करेंगे देखेंगे वो कैसा चलना सीखेगी, है ना, आपकी खुद की बेटी है, आपने देखा है कि भाई कैसे चलना सीखा होगा उसने, तो वो धीरे धीरे चलता है, बच्चा गिर जाता है, फिर उठता है, जैसे जैसे करके कुछ पकड़ के उठता है, फिर धीरे धीरे करता है, और जैसे उसको दिखता है कि माँ मेरी एकदम सामने, वो दौड़ दौड़ के जाता है और धड़ाम करके माँ की गोद में जो है वो गिर जाता है, है ना। तो इसको धा कृतक धिन धागे दीना धा धाते धा धागे देना तग्रान धागे धिन धिन धाते कृतक धीना धागे तिन्ना ना तुन्ना किड़े नक तुन्ना किड़े नक तेरे किट नक तिंक ना ना कता
धाड़ धा धी ना धा, कृतक धा धी ना धा, कृतक धा धी ना धा। ये आ गया माँ की गोद में, है ना। बीच में चाल देखी इसकी, ऐसी नहीं थी धा दिन दिन धा। मार्च पास्ट करते हुए बच्चा नहीं आएगा, है ना, कि आप उसे बोले बेटा आजा आजा आजा, तो ऐसे नहीं कि ऐसे फौज की तरह वो चल के आ रहा है, ऐसे नहीं आएगा। वो ऐसे चुलबुला है ना, शरीर पे अभी कंट्रोल नहीं है उसका, उसको उसके शारीरिक वजन का अंदाजा नहीं है कि उसकी बॉडी का वेट कितना है। तो उसे मालूम थोड़ी है कि यहाँ झुकूंगा तो मैं गिर जाऊंगा या यहाँ झुकूंगा तो नहीं गिरूंगा, है ना। बॉडी वेट का अंदाजा नहीं होता बच्चों को, तो वो कैसे भी गिरते पड़ते आते हैं और आके अपनी माँ की गोद में गिर जाते हैं, क्योंकि वो सेफ है, तो वो सम है, है ना। तो ये इमेजिन कीजिए और ये सीन बजाइए। इस तरह से जब आप चीज़ों को बजाते हैं ना, तब जाके आपका स्तर जो है, आपका जो IQ है संगीत को लेके, वो यूनिक निकलता है। वरना चीज़ें वही हैं, आप भी वही बजा रहे हैं, लोग भी वही बजा रहे हैं, वही गा रहे हैं, है ना। ये कोई जो मैंने आपको घेगे तेरे घेगे नाना, ये कुछ नया नहीं बता दिया, है ना। ये आपने बजाया, बहुत लोगों ने और भी बजाया। फिलासफी, बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिलासफी बिहाइंड एवरी टास्क यू आर डूइंग इन योर आर्ट, है ना। वो समझ आ गया तो काम बन गया आपका। अब जैसे घेगे तेटे घेगे नाना है, वो घोड़े की चाल का जो रेला जाकिर साहब बजाते हैं वो यही है, घेते टिता घेगे नाना, कहते टिता घेगे नाना, घेते टिता घेगे नाना, कहते टिता घेगे, घेते टिता घेगे नाना, तिरकटता घेगे नाना। अब आप इसको इसी अंदाज में बजाइए, वो जो डायनेमिक्स है, साउंड डायनेमिक्स है, साउंड प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हुए, तो ये वही कायदा जो आपका है। इसको रेला कायदा भी आप कह सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड में बज जाता है ये। इमेजिन कीजिए एक जना दौड़ रहा है और उसके पीछे भी कोई दौड़ रहा है उसको पकड़ने के लिए। चेज सीन है आपके सामने, चेजिंग का सीन है। उसमें आप ये पीछे अगर ये लगाते हो, अचानक उसके सामने पत्थर आता है या गड्ढा आता है, उसको उसे कूदना। फिलॉसफी कुछ भी लगा सकते हो ना, स्टोरी तो पीछे कुछ भी लगा सकते हो। मैंने चेस सीन बताया आपको, अभी सीन के पीछे कुछ भी सीन, ऐसा सीन जो इस साउंड को डिस्क्राइब करे, है ना। अब दो तीन पत्थर एक साथ आ गए, है ना। या ये भी हो सकता है वो पीछे से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। टॉम एंड जेरी का बहुत फेमस सीन, वो यही तो करते रहते, चेज करते थे, तो उसके पीछे ये लगाया जा सकता है। घेगे तेरे घेगे नाना, क्योंकि है भी वो चूहा, तो छोटे छोटे कदमों से दौड़ेगा, बड़े बड़े वर्ड्स नहीं। घेगे तेरे घेगे नाना, सिंगल सिंगल छोटे छोटे वर्ड। घेगे तेरे घेगे नाना, घेगे तेरे घेगे नाना, कूद रहा है वो, जगह जगह कूद के बच रहा है। कभी टेबल पर कूद गया, टेबल से कुर्सी पर कूद गया, है ना। फिर घेगे तेरे घेगे नाना, यानी ये इसमें क्या हुआ, वो दौड़ता पकड़ने वाला है ना, बिल्ली उसको पकड़ने वाली, तो ये क्या किया हमने, थोड़ा वजन दिया, साउंड डायनेमिक्स चेंज किए, पकड़ लिया। ये होता है ना जब कोई चीज गिरने वाली होती है, रुकना, ये करते हैं अपन, ये टोन आती है अपने आप। तो ये क्या है, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी भाषा से, आप एक लैंग्वेज से, तो वही चीज वहां हो रही है। हाँ जी, बात यह है कि तब उस जब ये फैसिलिटी आपके पास तभी होगी कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं हर चीज, जब कि आपका हाथ, बिल्कुल वो तो है ही, है ना। वही तो मैंने बोला कि या तो ये है फिजिकली आप केपेबल हो करने के लिए, या फिर ये है कि मेंटली केपेबल हो समझने के लिए। तो भाई हमें पहला मकसद होना चाहिए समझ आए, बजे न बजे वो हमारा मकसद क्यों है, क्योंकि वो लिमिट है ना भाई। आप ये बताइए इस उम्र पे आपका कितना हाथ चल जाएगा, एक मैं कह रहा हूँ 10-10 घंटे रियाज कर लो आप, कितना हाथ चल जाएगा। बट आप म्यूजिक में क्यों होता कि आप वो चीज़ आपको एंजॉयमेंट देती है ना, आपको आर्टिस्ट बनना है, परफॉर्म करके लोगों के लिए एंटरटेनमेंट करना है या एक्सप्रेशन समझना है। म्यूजिक को एक्सप्रेशन से अगर समझोगे तो जो चीज़ें सुनते हो उनका आनंद जो है, उनका जो मज़ा है, वो ढंग से ले पाओगे। जब अगली बार जाकिर साहब को सुनोगे, अगली बार किसी और कलाकार को सुनोगे या किसी गाने को सुनोगे, तो उसका एंटरटेनमेंट आप अच्छे से आप कर पाओगे, क्योंकि एक्सप्रेशन उनका आप समझ रहे हो ना। वरना तो वो ऐसा लगेगा हाथ चल रहा है तबले पे कुछ, पाड़ पूड़ पाड़ पाड़ भड़म भड़ाम भड़ूम भड़ूम, ये साउंड्स जिसको तबले की लैंग्वेज नहीं पता उसके लिए तो ये साउंड्स है ना, धड़ाम धुड़ूम पड़ाम पड़ूम भड़ाम भड़ाम फट फट फुट फुट, है ना, थबड़ 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 थबड़, यही है ना, वही सुनाई हमको क्या, वही सुनाई देगा। अब जो जो हिंदी नहीं जानता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं हिंदी में बात करने लग जाऊँ तो एक अंग्रेज के लिए तो यही है, पता नहीं क्या बोल रहा है। हमारे लिए चाइनीज हमको समझ आती है, उनको वो मस्त अपने बात करते हैं आपस में, और हमको लगता है पाँ पों ची 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 कुआ कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग, लेकिन वो उनकी लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज। मैं संस्कृत में बात करने लग जाऊँ तो आपको ना समझ आया अभी कुछ, है ना।
तो वो वाली बात है कि वो भाषा जो लैंग्वेज है वो जो एक्सप्रेस कर रहे हैं हमें वो समझ आने की पहला दर्जा है, वो पहला स्टेप है कि टू अंडरस्टैंड इट मेंटली, है ना। उसके बाद फिजिकली वो हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो यार रियाज पर निर्भर करता है ना, सीधी बात है। वो नहीं करेंगे रियाज, हमारा हाथ नहीं चल रहा है तो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन समझ तो पाएंगे, है कि नहीं। अभी जैसे मैंने ये सारी चीजें मैंने बजा के भी नहीं बताई तब भी आपको समझ आई कि नहीं आई, फिजिकली कुछ नहीं किया तब भी समझ आया ना कि मैंने कैसे चोर का सीन भी डिस्क्राइब कर दिया और साथ में दौड़ा भी दिया किसी को, वो चीज़ है। मेंटली आप उस चीज़ को समझ पाएं, ये बात होती है।